हेलो डियर स्टूडेंट्स, आप सब कैसे हैं। आज का जो टॉपिक है वो है जेनेटिक कोड या आनुवंशिक कोड। इसके बारे में संपूर्ण विवरण कुछ ट्रिक्स के साथ आपको मैं बताने वाला हूं। पूरा वीडियो अगर आप देखेंगे तो पूरे लाइफ के लिए आपके लिए जेनेटिक कोड बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। डियर स्टूडेंट्स, सोचने की बात है, डीएनए से जब डीएनए बनता है या डीएनए से आरएनए बनता है, दोनों स्थितियों में न्यूक्लियोटाइड से न्यूक्लियोटाइड बनता है, लेकिन उद्देश्य तो प्रोटीन का बनाना है। तो प्रश्न ये उठता है कि प्रोटीन कैसे बनती है, तो उसी का जवाब है जेनेटिक कोड यानी कि आनुवंशिक कोड। तो देखते हैं ये टर्म जो है कैसे आया और इसके बारे में पूरा कंप्लीट स्टडी आज होनी है। तो सबसे पहले जॉर्ज गैमो ने, जिन्होंने टर्म ही जेनेटिक कोड टर्म इन्होंने ही दिया था। मजे की बात यह है कि ये भौतिक शास्त्री थे और इन्होंने ही एक कॉन्सेप्ट दिया, मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट दिया। तो कैसे, जैसे कि यूं समझिए कि चार न्यूक्लियोटाइड से कोडिंग होती है, तो उन्होंने कहा अगर कुल 20 एमिनो एसिड से प्रोटीन बनती है, ठीक है, और 200 अमीनो एसिड को बनाने के लिए चार ही न्यूक्लियोटाइड होते हैं। चार न्यूक्लियोटाइड जैसे एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन और यूरेसिल, ये चार ही होते हैं। तो अगर चार को ही कोड करें तो ये केवल और केवल चार को ही, चार अमीनो एसिड को ही कोड कर पाएंगे। अगर ये 4² कर दें यानी कि दो दो का अगर जोड़ा बनाएं तो भी ये कितना हो जाएगा, 16 होगा। और होते अमीनो एसिड कितने हैं, 20 हैं, तो चार बच जाएंगे, तो उन चारों का कैसे होगा। तो ये होगा कि नहीं, ये भी नहीं है। तो उन्होंने बताया, जॉर्ज गैमो साहब की बात मैं कर रहा हूँ, कि उन्होंने बताया कि नहीं, ये जो कोडांस होते हैं ये ट्रिपलेट होते हैं, यानी कि तीन तीन के होते हैं, तीन तीन के सेट होते हैं। तो अगर ऐसा हुआ तो ये हो जाएगा 4 × 4 × 4 = 64, 4 × 16 = 64, 64। तो उन्होंने कहा कुल 20 अमीनो एसिड्स के लिए 64 कोडांस होते हैं। ये मैथमेटिकली उन्होंने दिमाग लगाया, एक कॉन्सेप्ट दिया कि इस तरह से होता है, लेकिन एक्सपेरिमेंटली उन्होंने इसको साबित नहीं किया। तो एक्सपेरिमेंटली किसने साबित किया, वो इन आगे के तीन वैज्ञानिकों ने, मिस्टर हर गोविंद खुराना, मार्शल नीरेनबर्ग और सेवेरो ओकोवा। इन तीनों वैज्ञानिकों ने एक्सपेरिमेंटली प्रूव किया कि हाँ, जो कोडांस होते हैं वो ट्रिपलेट होते हैं। एक एक करके हम देखें तो हर गोविंद खुराना, जो कि एक भारतीय अमेरिकी वैज्ञानिक थे, कहने का मतलब जन्म उनका भारत में हुआ था लेकिन वो बाद में अमेरिका की नागरिकता ले लिए थे। तो इन्होंने सिंथेसाइजिंग आरएनए मॉलिक्यूल, आरएनए मॉलिक्यूल को सिंथेसाइज किया था सबसे पहले। उसमें ये पता चला कि जो जेनेटिक कोड है वो ट्रिपलेट होता है। इसके बाद इन्हीं के साथ मार्शल नीरेनबर्ग ने भी काम किया था, इसलिए इन दोनों लोगों को एक साथ नोबेल प्राइज मिला था मेडिसिन का। सेल फ्री सिस्टम फॉर प्रोटीन सिंथेसिस, प्रोटीन सिंथेसिस का निर्माण उन्होंने सेल फ्री सिस्टम के द्वारा किया था, उससे किया था। और जो तीसरा नाम है सेवेरो ओकोवा, इन्हीं के नाम से एक एंजाइम का नाम पड़ा है, उसका उस एंजाइम का नाम है, बड़ा इंपॉर्टेंट है, कंपटीशन वगैरह में भी बहुत पूछा जाता है, पॉलीन्यूक्लियोटाइड फास्फोराइलेज। इस एंजाइम को सेवेरो ओकोवा एंजाइम कहते हैं, बहुत पूछा जाता है, बोर्ड एग्जाम में भी आता है। और काम उन्होंने क्या किया था, आरएनए सिंथेसिस विदाउट यूजिंग टेम्पलेट, बिना टेम्पलेट के इस्तेमाल के उन्होंने आरएनए का निर्माण किया था। और इन तीनों वैज्ञानिकों ने एक्सपेरिमेंटली प्रूव किया कि जेनेटिक कोड ट्रिपलेट होते हैं। और नाम किसने दिया था, यह भी पूछा जाता है कि जेनेटिक कोड नाम किसने दिया, आनुवंशिक कोड नाम किसने दिया, तो वो नाम है जॉर्ज गैमो। जॉर्ज गैमो का नाम बिग बैंग थ्योरी में भी आता है,
जिसमें पूरे यूनिवर्स की उत्पत्ति की परिकल्पना की गई है, उसमें भी जॉर्ज गैमो साहब का नाम आता है। तो अल्टीमेटली जेनेटिक कोड जब कन्फर्म हो गया तो उसकी बात आती है कि इसकी डिफिनीशन क्या है, परिभाषा क्या है। तो परिभाषा होती है द जेनेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ कोडॉन बाई हिच, जिसके द्वारा द इंफॉर्मेशन इन आरएनए, आरएनए की जो सूचना है इज डिकोडेड, उसको डिकोड किया जाता है किसके फॉर्म में, इन ए पॉलीपेप्टाइड चेन, यानी कि प्रोटीन की चेन को पॉलीपेप्टाइड चेन कहते हैं, इन द फॉर्म ऑफ पॉलीपेप्टाइड चेन, या दूसरे शब्दों में कहे प्रोटीन में इज कॉल्ड जेनेटिक कोड। तो वह कोड जो आरएनए पर पाया जाता है सूचना के रूप में और जिससे प्रोटीन बनाई जाती है, उस कोड को जेनेटिक कोड कहते हैं। तो आइए अब हम जेनेटिक कोड की डिटेल्स पे चलते हैं। बहुत सारे लर्निंग ट्रिक्स के माध्यम से आपको बहुत ही आसानी से हम आपको बताने वाले हैं। हमारे एक मित्र हैं, उनका नाम है उमेश चंद्र गुप्ता। चलिए यहीं से हम उनके नाम से शुरू करते हैं। पहली ट्रिक मैं बताता हूं, आप हमारे तो मित्र हैं, आप भी इनको याद रखिएगा, हो सकता है आपके भी मित्र हो। तो नाम है उनका उमेश चंद्र गुप्ता। चलिए यहीं से हम लोग शुरू करते हैं। इसमें हम तीन लेटर ले लेते हैं, उमेश सी ए जी। अब यहाँ पे हम लेंगे यू सी ए जी, यू सी ए जी, ठीक। अब इसी का हम लोग डिटेल बनाते हैं, जो ट्रिपलेट कोडॉन्स है उसका डिटेल कैसे बनता है, आइए देखें। सबसे पहले जो फर्स्ट लाइन है इसको हम पहली लाइन लिखेंगे, जैसे ये यहाँ पर U है तो यहाँ U U U U, चार बार U U U U। जी, अब दूसरी लाइन ऊपर से नीचे चलेंगे, ठीक है। सेकंड लाइन जो है ये इधर करेंगे, एरो ऐसे भी कर सकते हैं, एरो ऐसे लगा लें और ये वाला एरो ऊपर से नीचे करते हैं, सेकंड लाइन को ऊपर से नीचे। पहली लाइन यहाँ हम सबसे पहले लिखेंगे, ठीक है। जो दूसरी लाइन है हम उसको ऊपर से नीचे पूरा लिखें, जैसे यहाँ पर यू है तो अब यू लिखते चले जाएं आराम से, बिना टेंशन लिए ऊपर से नीचे तक यू लिखते चले जाएं इस तरह से। यहाँ पर C है तो अब C लिखते चले जाएं ऊपर से। तो इस तरह से हो गया। अब जो तीसरा होगा वो यू सी ए जी, यही का यही पूरा सेट यहाँ पर आपको उतार देना है, जैसे अब यहाँ पर यू सी ए जी, यू सी ए जी।
UCAG. अब आप देखिए हमारे कितने बॉक्स हो गए, कुल 16 है, उनको हम नंबर डाल दें 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 और सभी में चार चार हैं, तो टोटल कितने हो गए 64. आप ध्यान दें 64 कोडॉन्स. तुरंत प्रश्न उठता है कि क्या इन 64 कोडॉन्स में सब के सब कोड अमीनो एसिड के लिए कोड रखते हैं? तो जवाब है नहीं. शुरुआत कहां से होती है? देखिए पूरे प्रोसेस में प्रोटीन के बनने की शुरुआत और अंत और बीच में प्रोटीन, ये तीनों बातें यहां भी होती हैं. जब हम ट्रांसलेशन बताएंगे तो उसको मैं आगे बताऊंगा. तो कैसे ये होता है, तो सबसे पहले हम बात करें शुरुआत की. तो शुरुआत के लिए जो इसका कोड होता है वो होता है AUG. कौन सा कोड होता है? ये स्टार्ट कोडॉन है, स्टार्ट कोडॉन, इसका नाम है AUG. AUG आप देखिए ढूंढिए, यहां पर है AUG और ये किसके लिए है? मेथियोनीन के लिए है. मैथ के लिए मतलब मेथियोनीन, मेथियोनीन, ठीक. यहीं से सबकी शुरुआत होती है. सोचिए कितनी सरप्राइजिंग बात है, कितनी आश्चर्यजनक बात है कि सभी जीवों में प्रोटीन बनने की शुरुआत इसी अमीनो एसिड से होती है जिसका नाम है मेथियोनीन और जिसका एक इकलौता कोड है AUG. AUG मेथियोनीन से इसकी शुरुआत हुई सभी प्रोटीन्स की. द फर्स्ट अमीनो एसिड मस्ट बी मेथियोनीन, यही होगा. अब प्रश्न उठता है कि सर इसको याद कैसे करें? तो आपके घर में जब कोई आता है, जैसे शुरू में जैसे कोई भी आता है तो आप क्या कहते हैं? आओ जी. जब वो आता है मेहमान तो मिठाई भी लेके आता है, तो मेथियोनीन. कोई मेहमान आता है तो आप उसको कहते हैं ना कि आओ जी, आप बुलाते हैं घर में ना, और वो मिठाई लेके आमतौर पे कुछ ना कुछ तो लेके आते ही है मीठा, तो वो आओ जी के साथ क्या रहता है? मेथियोनीन रहता है, मेथियोनीन रहता है. आप अगर इसको थोड़ा सा भूल भी जाए तो आप इसको जरूर याद रखें कि आज जो ये वीडियो बन रहा है वो 31 अगस्त को बन रहा है. 31 अगस्त, आप देख चाहे जब रहे हो, लेकिन 31 अगस्त को यह वीडियो बन रहा है, यानी कि अगस्त महीने में AUG आ रहा है ना. AUG आप यहां से याद कर सकते हैं. और अगस्त महीने में आपको मिठाई खाने के 3 मौके मिले, इसी में रक्षाबंधन भी पड़ा, इसी में 15 अगस्त भी आया और इसी में कृष्ण जन्माष्टमी भी मनाई गई. तो 3 मौके आपको मिठाई के मिले, यानी कि 1, 2, 3 मौके मिले. अगस्त महीने में आप मिठाई खाते हैं 3 मौके पे, याद रहेगा ना. सभी प्रोटीन के बनने की शुरुआत इसी से है, यह भी याद रहेगा. इसके बावजूद भी अगर ना समझ में आए तो यू नॉनसेंस, आई टेल अगेन, यू नॉनसेंस. मतलब मैं आपको नहीं कह रहा हूँ, आप बुरा मत मानिएगा, डोंट माइंड. यू नॉनसेंस मीन्स, यहाँ मैंने 3 बार यू नॉनसेंस इसलिए कहा कि 3 कोडॉन्स ऐसे होते हैं जिनमें किसी भी अमीनो एसिड का कोड नहीं होता. अब मैं आपकी बात नहीं कर रहा, ये नॉनसेंस कोडॉन है भाई, आप क्या समझ लिए, ये नॉनसेंस कोडॉन है. इनको मैंने बहुत कहा कि तुम भी किसी अमीनो एसिड को ले लो भाई, कहे नहीं मैं नहीं किसी अमीनो एसिड को लेने वाला. तो नॉनसेंस हुए कि नहीं हुए? सारे के सारे 61 लिए बैठे हो, तुम तीनों नॉनसेंस ही हो, तुम्हारे पास कोई अमीनो एसिड ही नहीं है. तो इनका पूरा क्या है? UAG इनके पास नहीं है. इसी AG को पलट दो, UGA इनके पास भी नहीं है. और A इसमें केवल AA है, इसमें 2 बार जी है, इसमें 4 बार ए है, बस इतना ध्यान रखिएगा. 1 बार UAG, 1 बार UGA और 1 बार UAA. ये 3 ऐसे हैं जिनको स्टॉप कोडॉन या नॉनसेंस कोडॉन कहते हैं. क्यों?
क्योंकि इनके पास किसी भी अमीनो एसिड के लिए कोड नहीं होता। तो ये कहाँ है, ध्यान रहे, UGA यहाँ पर है, UAG यहाँ पर है और UAA यहाँ पर है। ये कौन से कोडान है, स्टॉप कोडान, क्योंकि इनके पास किसी भी अमीनो एसिड का कोड नहीं होता, इसलिए जब भी यहाँ पर राइबोसोम पहुँचता है तो चूंकि कोई अमीनो एसिड इनके पास नहीं होते तो वहीं पे काम खत्म हो जाता है। प्रोटीन संश्लेषण की शुरुआत हमेशा AUG से होती है और समापन इन तीनों से होता है, ठीक। चलिए अब बात करते हैं कि प्रोटीन बनाने के लिए कितनी अमीनो एसिड्स होती हैं, तो उत्तर है 20। अब उन 20 को देखिए हम कितनी आसानी से इसको हम याद कर सकते हैं, 20 अमीनो एसिड जिनकी मदद से प्रोटीन बनती है। आइए देखते हैं, हमारे कॉलेज का नाम है AH इंटर कॉलेज मुसाफिर खाना, आप सब जानते हैं, और उसी के मदद से मैंने बहुत बार बच्चों को भी पढ़ाया है, आज आपको बताते हैं। यहाँ पर देखिए दो तरह की अमीनो एसिड्स होती हैं, पहली होती है इसेंशियल अमीनो एसिड और दूसरी होती है नॉन इसेंशियल अमीनो एसिड। पहले इन दोनों का मतलब जान लीजिए, पहले अमीनो एसिड को जान लीजिए। देखिए सारी प्रोटीन्स अमीनो एसिड की बनी होती हैं, पहली बात। आपके दिमाग में एक प्रश्न आ सकता है कि भाई हमको प्रोटीन चाहिए और उसके लिए हम प्रोटीन खाते हैं, लेकिन जो हम खाते हैं वो प्रोटीन दूसरी होती है और हमारे शरीर की जो प्रोटीन है वो दूसरी होती है, तो ये ऐसा कैसे होता है। तो देखिए हम जब प्रोटीन को खाते हैं जिस भी रूप में, चाहे दाल के रूप में, चाहे मीट मछली के रूप में, अंडे के रूप में, किसी भी रूप में खाते हैं, तो वो प्रोटीन होती है, लेकिन बनी किससे होती है, अमीनो एसिड से। तो पाचन के दौरान उसको अमीनो एसिड में तोड़ा जाता है और हमारी सेल्स में वो अमीनो एसिड पहुंचता है और फिर हमारा शरीर उन्हीं अमीनो एसिड से अपने शरीर के जरूरत के हिसाब से प्रोटीन बनाता है। तो अमीनो एसिड को फिर दोबारा रीअरेंज करके नई तरह की प्रोटीन बनती है। इसको ऐसे समझ लें कि प्रोटीन जैसे ईंट होती है, घर बनने में ईंट होती है ना, तो ईंट का हम इस्तेमाल चाहे अपना घर बनाने में करें, चाहे मंदिर बनाने में करें, चाहे मस्जिद बनाने में करें, चाहे जो कुछ भी बनाने में करें, वो ईंट का बार बार उपयोग होता है। ईंट मतलब अमीनो एसिड, एक जगह से निकली फिर दोबारा दूसरे तरीके में दूसरे में कंस्ट्रक्ट हुई तो दूसरी प्रोटीन बन गई, तीसरी प्रोटीन बन गई। तो इन्हीं 200 अमीनो एसिड से ही सारी प्रोटीन बनती हैं, वैसे जैसे 26 अल्फाबेट से इंग्लिश के सारे इंग्लिश के वर्ड्स बनते हैं, वैसे ही 20 अमीनो एसिड से लाखों प्रकार की प्रोटीन बनती हैं। तो वे 20 अमीनो एसिड कौन कौन सी हैं, आइए देखते हैं। तो इसेंशियल अमीनो एसिड और नॉन इसेंशियल अमीनो एसिड, ये दोनों क्या होता है, इसेंशियल अमीनो एसिड उस अमीनो एसिड को कहते हैं जो हमको भोजन से चाहिए होती है, ये केवल भोजन से ही प्राप्त होती है। नॉन इसेंशियल अमीनो एसिड हमारे बॉडी में बन जाती हैं, अर्थात हमको खाने में नहीं भी मिली तो ये वाली जो हम इधर लिखने जा रहे हैं ये हमको हमारा बॉडी बना लेता है, लेकिन ये जो इसेंशियल अमीनो एसिड्स हैं इसको हमें खाने में ही मिलता है, इसलिए हमारे भोजन में ये अमीनो एसिड जरूर होना चाहिए, अगर नहीं तो प्रोटीन की कमी हो जाएगी। तो देखिए ध्यान दीजिए, हमारे कॉलेज के नाम से ही इसको मैंने बनाया है, AH इंटर कॉलेज लखनऊ लेन मा पश्चिम तरफ तक वाय, 10 हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक। AH इंटर कॉलेज लखनऊ लेन मा पश्चिम तरफ तक वाय, ठीक। और दूसरा 10 लेते हैं, AA A3 C G G G P S T, यहाँ भी 10 है। पहले हम अल्फाबेट के लिए जैसे होता है A पहले आता है, फिर C आता है, ABC, इसके बाद ABCDFG, HIJK LMNOPQRST, अल्फाबेट में 10 आगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक। अब इन सभी के नाम लिख देते हैं, ठीक।
देखिए आसानी से हम इसको याद कर सकते हैं, ए फॉर आर्जिनिन, अब इसमें ध्यान दीजिए, एच फॉर हिस्टिडीन, आइसोल्यूसिन, लाइसिन, ल्यूसिन, मेथियोनिन, फेनिल एलानिन, टायरोसिन, थ्रियोनिन, ये टायरोसिन नहीं थ्रियोनिन होगा, थ्रियोनिन, एंड देन ट्रिप्टोफान, वायलिन, एंड देन एलेनिन, एस्परजीन, एस्पर्टेट, सिस्टीन, ग्लूटामिन, ग्लूटामेट, ग्लाइसिन, प्रोलिन, सीरिन, टायरोसिन। ठीक, अब ये 200 अमीनो एसिड्स हो गई। ठीक है, अब इसको मैंने कुछ अंक लिखे हैं, इसका मतलब क्या हुआ कि इनके कोड्स कहाँ कहाँ है। जैसे इसको देखिए 8 लिखा हुआ है, 8 का मतलब हो गया, इसको पहले आप लोग नोट कर लें, ठीक है, नोट कर लें, फिर इसको आगे एक्सप्लेन, क्योंकि भी काफ़ी कुछ इसमें मिक्सिंग हो जाएगी, समझ नहीं आएगा, तो आप तब तक इसको आप नोट कर लें। हाँ चलिए देखते हैं, अब ये जो मैंने कुछ अंश पहले से लिख रखे हैं, आर्जिनिन में 8 लिखा, इसका मतलब हो गया 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, इसमें 8 अल्फाबेट हैं आर्जिनिन के, तो ये 8वें नंबर का जो है ना, ये सारे जो कोड हैं वो आर्जिनिन यानी कि ARG के हैं, ARG, ठीक है, ये 8वें नंबर का जो ब्लॉक है ये आर्जिनिन अमीनो एसिड का है। 5वें नंबर पर ल्यूसिन है, वैसे ये चौथे नंबर पर भी आपको बुक में मिलेगा, मैंने 5वें में जानबूझ के आइसोल्यूसिन के बाद ल्यूसिन है, मैंने ल्यूसिन को 5वें पे कर दिया जिससे आपको याद हो सके, तो 1, 2, 3, 4, 5, 5वें नंबर पर ल्यूसिन है और यहाँ पर भी ल्यूसिन है, LEU इसका कोड है, LEU, ल्यूसिन, ल्यूसिन, ल्यूसिन और ल्यूसिन। ठीक, मेथियोनिन इसको मैंने बता ही दिया, AUG इसका कोड है, AUG, और ये मेथियोनिन के है, इसको स्टार्ट कोडान कहते हैं, इसका दो रोल है, ध्यान रहे, AUG का दो रोल है, पहली बात तो ये स्टार्ट करता है, पहली बात, और दूसरी बात ये मेथियोनिन का कोड रखता है, दो बातें हैं, इसका डुअल नेचर है AUG का, पहली बात स्टार्ट कोडान है, यहीं से शुरुआत होती है प्रोटीन बनने की, और दूसरी बात प्रोटीन बनने की शुरुआत होती है तो जो पहला अमीनो एसिड होता है उसका मेथियोनिन होता है। ये कितना सरप्राइजिंग है, पूरे कह लीजिए कि पूरे विश्व में जितने भी जीव हैं सब के साथ यही चीज है, तो एक सिमिलरिटी हो गई ना कि सबकी उत्पत्ति एक जैसी हुई है, सभी जीव एक जैसे हैं, यहाँ एक इस बात का भी प्रमाण मिलता है कि सबका पहला जो अमीनो एसिड होता है वो मेथियोनिन होता है। ठीक है, इसके बाद 10वें नंबर पे थ्रियोनिन, यहाँ पे 10वें नंबर पे हम यहाँ पर लिख सकते हैं थ्रियोनिन, दसवें नंबर का पूरा ब्लॉक जो है ये थ्रियोनिन का है, 13वें नंबर पे वायलिन है, 13वां नंबर यहाँ है, ये है वायलिन, VAL, ये केवल कुछ याद करने के लिए, आप बहुत इसको याद करने की जरूरत नहीं है, कुछ चीज़ें और भी हम आगे बताने वाले हैं, बस एक सिंपल कॉन्सेप्ट आपका क्लियर है। 14 नंबर पे एलानिन है, 14 ये है ALA, ये चीज़ है, एंड देन 16 पे ग्लाइसिन, सबसे लास्ट में GLY ग्लाइसिन है, ग्लाइसिन, और छठे नंबर पे प्रोलीन है, छठे नंबर पे उसी के ये 16 है, ये 6 है, ये 13, 14 ऐसे आप समझ लेंगे, 13, 14, 6 नंबर पे प्रोलीन है, PRO, इसमें कुछ चीज़ें और पूछी जाती हैं, जो पहला ट्रिपलेट कोडान है वह कौन सा है जिसकी खोज की गई थी, तो जो सबसे पहले लिखा है ये UUU, यही वह पहला ट्रिपलेट कोडान था जिसकी खोज नीरेनबर्ग और मथाई साहब ने किया था, दो वैज्ञानिकों ने, वह द फर्स्ट जेनेटिक कोड वाज डिस्कवर्ड बाय डेसिफर्ड बाय नीरेनबर्ग एंड मथाई एंड इट वाज UUU। ठीक, ये किसके लिए था, ये था फेनिल एलानिन के लिए, ये किसका कोड है, फेनिल एलानिन, ये याद रखिएगा, और इसके बाद भी इसको PHE से लिखते हैं, इसके बाद वाला भी फेनिल एलानिन के लिए ही है, ये दोनों कोड हो गया। वह कौन सी अमीनो एसिड है जिनका केवल एक ही कोड है, तो वो है ट्रिप्टोफान,
इसका जो एक ही कोड है वो है यू जी जी। ये दो अमीनो एसिड्स ऐसी हैं जिनका केवल सिंगल कोड है, बाकी तो देख रहे हैं आप इनके चार और भी हैं, बट ये चार चार का ब्लॉक मैंने इसलिए बना दिया क्योंकि आपको याद करने में थोड़ा समझने में आसानी रहे। लेकिन ये दो अमीनो एसिड्स ऐसी हैं कि जिनका केवल एक ही ट्रिपलेट कोडान है, सिर्फ सिंगल यू जी जी ट्रिप्टोफान का है। आप ध्यान दें कहाँ है, ये है यू जी जी, ये ट्रिप्टोफान का कोड है। और दूसरा कौन है जिसका एक ही कोड एक ही अमीनो एसिड के लिए है? वैसे नियम यही है कि एक कोड एक ही अमीनो एसिड के लिए होता है, लेकिन एक अमीनो एसिड के लिए ही एक कोड हो, ये केवल यहाँ पर है, मेथियोनीन के लिए है और ट्रिप्टोफान के लिए है। ये दो अमीनो एसिड्स ऐसी हैं जिनका कोड केवल एक ही है। सकते हैं तो अब देखिए एक बात मैं और यहाँ पे कोड करना चाहूँगा, वो ये कि आप ध्यान दें किसी भी ब्लॉक को ले लें, इनमें से किसी भी ब्लॉक को, इनमें से दो चीज़ें बिल्कुल सेम है, पहला कोड और दूसरा कोड बिल्कुल सेम है। आप देखें सी जी सी जी सी जी सी जी, लेकिन जो तीसरा कोड है ये बदला है यू सी ए जी। इसलिए लेकिन इन सब का जो किस अमीनो एसिड के लिए कोड है वह सिमिलर है, जैसे यहाँ पे आर्जिनिन है, यहाँ पे ग्लाइसिन है, यहाँ पर देखिए जी 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 जी, लेकिन जो तीसरा कोड है ये बदल गया है। इसको उबल्स हाइपोथेसिस कहते हैं। जो तीसरा है इसमें देखिए बदला है, लेकिन अमीनो एसिड नहीं बदली है। पहले दो डिसाइड करते हैं अमीनो एसिड के लिए, तीसरा अगर बदल भी जाता है तो भी अमीनो एसिड बदलती नहीं है। दिस इज उबल हाइपोथेसिस एंड गिवन बाय क्रिक। ओके, तो चलिए आगे बढ़ते हैं, इसको और एक बार और नोट कर लें, इसको करने के बाद फिर आगे बढ़ते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, जेनेटिक कोड पे कुछ आधारित जो क्वेश्चंस आते हैं वो आप आज समझ लें। वो ये कि पहला क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि कितने कोड्स ऐसे होते हैं जिनमें प्रोटीन सिंथेसिस का कोड होता है, यानी कि कोडिंग कोड होते हैं, कोडिंग कोड कितने होते हैं, आप जवाब दीजिए। अब तो काफी कुछ बता चुके हैं, तो आंसर इज 61, नॉट 64, क्योंकि इसमें से तीन ऐसे हैं 1 2 3 आउट ऑफ कितने 64। कुल कोड कितने हैं, कोड्स आर 64, और उसमें से कोडिंग कोड कितने हैं, जितने के पास अमीनो एसिड का कोड है। ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है और बच्चे तुरंत उसका बिना सोचे समझे जवाब दे देते हैं 64, और वो गलत हो जाता है। 64 टोटल कोड्स होते हैं, लेकिन जितने के पास कोडिंग कोड होता है, ऐसे जो है जेनेटिक कोड्स जिनमें प्रोटीन संश्लेषण का कोड होता है, उनकी संख्या 61 है। इसको बड़ा केयर करिएगा, 61 ये बड़ा ध्यान रखिएगा, ये कोडिंग कोड है। अब बात करते हैं कि जेनेटिक कोड्स की जो स्पेशलिटी है, जो कैरेक्टर्स हैं, जो फीचर्स हैं, वो क्या क्या है। पहली बात, जेनेटिक कोड इज यूनिवर्सल। इस संसार में जितने भी जीव पाए जाते हैं उन सब के लिए प्रोटीन का जो बनाने के लिए अमीनो एसिड का जो कोड है वो बिल्कुल वही है जो आपके सामने लिखा हुआ है। संसार के समस्त जीवों के लिए ये यूनिवर्सल है, सभी जीवों के लिए, इवन वायरस जो कि नॉन लिविंग है उनकी भी प्रोटीन बनाने का जो कोड ऑन होता है वो यही है। जैसे मान लीजिए कि अगर पहला कोडान यू 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 ये फेनिल एलानिन के लिए है, तो यही यू 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 कोडान सभी जीवों के लिए फेनिल एलानिन के लिए ही होगा, ये जरूर ध्यान रखिएगा। तो यूनिवर्सल है, विश्वव्यापी है, यही कोड काम करता है। दूसरा चीज है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, फॉर ए पार्टिकुलर अमीनो एसिड, किसी विशेष अमीनो एसिड के लिए मोर देन वन कोडॉन कैन बी यूज्ड, एक से ज्यादा कोड हो सकते हैं किसी एक अमीनो एसिड के लिए। आप ध्यान दें, यहां 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 यहां
एक से ज्यादा कोड है, अमीनो एसिड एक है, जैसे यहाँ चारों के लिए एक ही अमीनो एसिड है, ग्लाइसिन, यहाँ पर अर्जिनिन, यहाँ पर ल्यूसिन, यहाँ प्रोलिन, यहाँ थ्रियोनिन, एलानिन, वैलिन, ठीक है, अमीनो एसिड एक है, उसके कोड कई हैं, इस बात को कहते क्या है, दिस इज कॉल्ड डीजेनरेसी ऑफ कोडॉन। जेनेटिक कोड्स आर नॉट ओवरलैपिंग एंड इन ए कंटिन्यूअस फैशन। ये बड़ा ध्यान दीजिए कि कोई भी अगर मान लीजिए यू ए जी सी ए यू कुछ भी इस तरह दिया है, सी जी सी कुछ भी दिया है, तो इसके जो सेट होते हैं वो तीन तीन के होते हैं, ठीक है, ये तीन तीन के सेट होते हैं, तो हर अल्फाबेट ये न्यूक्लियोटाइड को रिप्रेजेंट करता है जो ओवरलैप नहीं करता, यानी कि जैसे यू ए जी है तो अगला सी ए यू होगा, बीच में कामा नहीं होगा, इसको लगातार पढ़ा जाएगा। जेनेटिक कोड्स आर नॉट ओवरलैपिंग, ओवरलैप नहीं करते, सी जी के साथ सी को नहीं पढ़ा जाएगा, ये ओवरलैप नहीं करेगा, ये अलग सेट है, ये अलग सेट है, ये अलग सेट है, सभी अलग अलग सेट हैं और इन्हीं के साथ इनको पढ़ा जाएगा, किसी भी न्यूक्लियोटाइड को दूसरे सेट के साथ नहीं लिया जाएगा, ओवरलैप नहीं करेगा, पहली बात। दूसरी चीज़, कंटिन्यूस फैशन में होता है, यानी कि यहाँ से अगर ये शुरू हुआ तो बीच में छोड़ा नहीं जाएगा, कहीं कामा नहीं है, फुल स्टॉप नहीं है, कुछ नहीं है, लगातार उसको पढ़ा जाएगा, कंटिन्यूस फैशन में पढ़ा जाएगा, ये कन्फर्म। अगली बात, इसकी खास बात क्या है कि ए पर्टिकुलर कोड फॉर ऑलवेज सेम अमीनो एसिड, कोई भी इसमें जो 64 लिखे गए हैं इसमें इन तीन को माइनस कर दें, बाकी जो 61 कोडिंग कोडांस हैं वे किसी खास अमीनो एसिड के लिए ही होंगे, कोई भी, यहाँ जैसे AUG मेथनिल के लिए होगा, यहाँ पर GCU एलानिन के लिए ही होगा, यहाँ पर ACG थ्रियोनिन के लिए ही होगा, यहाँ पर GGU ग्लाइसिन के लिए ही होगा, और इस बात को क्या कहते हैं, नॉन एम्बिगियस, इस प्रॉपर्टी को, इस गुण को कहते हैं नॉन एम्बिगियस, मतलब वन कोड फॉर वन अमीनो एसिड्स इन केस ऑफ 61 कोडॉन्स एक्सेप्ट 3, इन UAA, UAG और UGA को छोड़कर बाकी जितने भी ट्रिपलेट कोडॉन्स हैं उन सब पे एक अमीनो एसिड ही है और वो फिक्स है। एंड देन लास्ट वन, इनिशिएशन कोडॉन इज ऑलवेज AUG, जहां से प्रारंभ होता है उसका जो कोडॉन होता है वो AUG होता है, एंड द टर्मिनेशन कोडॉन जहां पे खत्म होता है ट्रांसलेशन प्रोटीन का बनना, इन तीनों में से कोई भी मिल गया, एक भी, तीनों नहीं, कोई इन तीनों में से एक भी मिल गया जो मैं पहले भी बता दिया हूँ, तो ये इसको नॉनसेंस कोडान भी कहते हैं या टर्मिनेशन कोडान भी कहते हैं, वहाँ पर उसका समापन हो जाता है। तो डियर स्टूडेंट्स, ये जो जेनेटिक कोड का टॉपिक था ये बहुत ही मैं समझता हूँ आपके लिए आसान हो गया होगा, इसको आप अच्छी तरह आज समझ लिए होंगे, तो जल्दी मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, और इसको लाइक और शेयर ज़रूर करेंगे, सब्सक्राइब भी करेंगे अगर नहीं किया है तो, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।